नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के थाना मलपरा क्षेत्र के गांव बरारा में शुक्रवार को रजबाह पर बिल्डर द्वारा अवैध रूप से बनाई गई पुलिया को सिंचाई विभाग की टीम ने पुलिस के साथ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। विभाग के सहायक अभियंता ने बताया है कि 18 अप्रैल को इस पुलिया पर हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए टीम गई थी, तब दबंगों ने टीम पर हमला कर दिया था। सिंचाई विभाग के अवर अभियंता और अन्य लोग घायल हो गए थे। इसमें पुलिस ने कॉलोनाइजर विनोद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। उन्होंने बताया कि अब इस अतिक्रमण को पुलिस की सहायता से हटा दिया गया है। अवर अभियंता अमन जैन, जिलेदार प्रथम विपिन कुमार, सिंचाई विभाग संघ विजय पाल कंसाना, लक्ष्मीकांत उपाध्याय, शशि शर्मा, अनिल मुगदल, राजेंद्र बघेल सहित बड़ी संख्या में थाना मलपरा का पुलिस फोर्स मौजूद रहा। और आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार बुलडोजर से गिरा दी गई है रजवा पर बनी पुलिया। थाना मलपरा क्षेत्र के गांव बरारा का यह मामला बताया गया है। देखिए किस प्रकार दबंग बिल्डर के द्वारा अवैध रूप से रजवा पर पुलिया बना ली गई थी। तो जानिए क्या कुछ कहना है विभाग के अधिकारियों का। मैं सिंचाई विभाग आगरा में पंकज अग्रवाल हूँ, सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। अभी कुछ दिन पहले 18 अप्रैल को आगरा राजबाहे पर ग्राम बरारा के निकट कुछ एक बिल्डर द्वारा अवैध पुलिया का निर्माण कर लिया गया था, जिसको हटाने हमारी विभाग की टीम गई थी, जिस पर बिल्डर द्वारा अभद्रता और मारपीट की गई। उसी पुलिया को आज हमारी टीम गई थी, जिसमें हमारे जिलेदार और उनकी राजस्व की पूरी टीम थी और श्री अमन जैन जूनियर इंजीनियर इत्यादि सभी लोग सम्मिलित थे। आज उस अतिक्रमण को हमारे द्वारा हटवा दिया गया है। भविष्य में भी जहाँ जहाँ भी सिंचाई विभाग आगरा की ज़मीनें अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अतिक्रमित की गई हैं, उन सभी को अभियान चला के हटाया जाएगा। आज इस कार्य में हमें थाना मलपुरा के थाना अध्यक्ष श्री ईश्वर सिंह तोमर जी का विशेष सहयोग रहा। उनके द्वारा हमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध कराया गया, जिससे अतिक्रमणकर्ताओं के हौसले पस्त रहे। आगे भी उनके सहयोग से और जिला प्रशासन के सहयोग से हम जहाँ जहाँ भी हमारी ज़मीनें अतिक्रमण की गई हैं, उन सभी को मुक्त कराया जाएगा। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सिविल न्यूज।